जय मां बिंदवासिनी, मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशिफल में आपका स्वागत कर रहा हूं। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में दैनिक पंचांग के साथ साथ दैनिक राशिफल और विशेष रूप में मैं हथेली से, जिनका जन्मतिथि नहीं मालूम है, हथेली से उनका मेल मेल रेखा के बारे में आपको बताऊंगा जितना मैं बता सकता हूँ। इसलिए आज का प्रोग्राम जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप गौर से देखें। मैं बताऊंगा हथेली में जो कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कैसे हाथ देखा जा सकता है और अपना भविष्य मालूम किया जा सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको आज का पंचांग बताता हूँ। 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार, और आज का नक्षत्र जो है वह मघा है। मघा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। इसमें यदि बच्चे का जन्म हो जाए तो नक्षत्र का दोष लगता है और नक्षत्र का शांति करवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और आज का राहु काल या अभी संध्या भी कह सकते हैं, 4:30 से लेकर 6 तक राहु काल रहेगी। राहु काल में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे, वरना दोष लगता है और बार बार समस्याएं का सामना करना पड़ता है। यात्रा यदि लंबी दूरी पर जाना का हो तो उसको भी त्याग करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यात्रा करनी अनिवार्य हो तो राहु काल के बाद जाना चाहिए, उससे पहले निकल जाना चाहिए। अब मैं आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मेष राशि वाले जातक को, मेष राशि वाले जातक, आज आपका दिन बहुत अच्छा है। आपको आज संतान सुख बहुत मिलेगा और पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। और पढ़ाई लिखाई से संबंधित यदि आप एग्जाम वगैरह कंपटीशन का दिए होंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त करने का अच्छा संकेत मिल रहा है। यदि आप विद्यार्थी होंगे तो आपका यदि एग्जाम वगैरह चलेगा, हालांकि रविवार के दिन में कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन में जो साप्ताहिक टेस्ट होता है तो उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस आने का पूरा पूरा संभावना दिख रहा है। पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, रिजल्ट आपके मुताबिक होगा। और जो जातक बड़े हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं, उनका काम धंधा अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार की स्थिति बहुत ही अच्छी है। आप जो भी दुकान खोलेंगे उसमें अच्छा मार्जिन, अच्छा बेनिफिट आज आपको होते हुए दिख रहा है, आपका धन लाभ मिलेगा। यदि आप ठेकेदारी के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा अवसर मिलेगा, नए प्रोजेक्ट आज मिल सकते हैं, कह सकते हैं आज आपका दिन अच्छा है। और दिन अच्छा है तो आप प्रॉपर्टी वगैरह को देख रेख करके आप आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टोकन मनी आज आप दे सकते हैं, तो कह सकते हैं आज आपका दिन अच्छा है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आपको आज रोरी का लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब मैं वृष राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। वृष राशि वाले जातक, आज आपको बिल्कुल सावधान रहना है। माता जी की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, माता जी के सेहत के कारण आप टेंशन और परेशानी में रह सकते हैं। आज आप किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करें, कोई एग्रीमेंट पे साइन नहीं करें, वरना आज आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि आज आपका गोचर जो वह अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो आज आपको सावधानीपूर्वक अपना समय बिताना चाहिए। काम धंधे की स्थिति में भी मंदा का स्थिति रहेगा, काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा, बिजनेस व्यापार नौकरी में भी समस्या उत्पन्न होगी। यदि आप मीडिया लाइन से हैं तो सावधान रहें, वरना आपके जॉब पे परेशानी संकट आ सकता है। आज आपका दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आज आप किसी भी प्रकार का लेन देन, रुपया का खासकर लेन देन से आज आपको अवश्य बचना चाहिए, वरना उसमें आपका धन फंस सकता है। आपको अपने आप को बचाने के लिए, दिन को बेहतर अच्छा करने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन अच्छा बीत सकता है। अब मैं मिथुन राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि वाले जातक, आज आपका पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम के दम पे आज आप सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता अभी नहीं मिलेगी, अभी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। प्राकरण बढ़ने के कारण आपका आज गोचर कह रहा है जो आपको लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का भी योग बना हुआ है, तो लड़ाई झगड़ा से दूर रहें। बिजनेस व्यापार में भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, काम धंधा रुक रुक के चलेगा, कभी अच्छा कभी थोड़ा कम कभी उससे भी अच्छा, तो ये स्थिति बनी हुई है। जब आप सुबह से लेकर शाम तक अपना खाता बही का
मिलान करेंगे तो आपको मुनाफा का जो है आज बहुत कम मामूली मात्रा में आज आपका होगा। तो आज ईमानदारी से मेहनत और सक्सेस होने करने की जरूरत है। यदि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कानूनी फंदे में उलझन में आप फंस सकते हैं, जिससे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए आज आपको गणेश कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कर्क राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कर्क राशि वाले जातक, आज आपके वाणी में दोष उत्पन्न होगा, आपके बोली से लोग को जो है वह घायल हो जाएंगे, बहुत तकलीफ और पीड़ा में रहेंगे। आज आपका जो दिन है अच्छा नहीं है और आज अपने वाणी और बोली से अपना रिश्ता खराब कर लेंगे, परिवार में भी और घर के बाहर भी आज आपका संबंध खराब होगा। काम धंधे करते हैं तो अपने बोली पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें, सिर्फ काम से मतलब रखें और किसी से भी काम से ज़्यादा बातचीत नहीं करें, जितना जरूरी उतना ही बातचीत करें, वरना आज आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि बिजनेस व्यापार करते हैं तो आप रुपया बिल्कुल आज उधार नहीं लगाएं, तो आपका रुपया डूबने का डर है और रुपया डूब सकता है और जो डूबेगा वह वापस नहीं आएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। तो आज आप बिल्कुल संभल कर रहें, दिन आपका अच्छा नहीं है। आज हर प्रकार के रुपए के लेन देन एग्रीमेंट से आज आपको बचना चाहिए, वरना धोखा भी हो सकता है। अब मैं आपको कह रहा था जो आपकी बोली विचार से समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो अपने आप को बचाने के लिए और दिन अच्छा करने के लिए मधुराष्टक का 3 पाठ करना चाहिए। मधुराष्टक ऐसा पाठ है जिनके भी कुंडे वाणी दोष हो, वो गलत बोलते हैं, लोगों उनके विचार से सहमत नहीं हो, तो मधुराष्टक के पाठ करने से यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मैं आपको बोल रहा था जो कार्यक्रम के मध्य में बताऊंगा, हाथ से मैंने अपना भविष्य आप कैसे जान सकते हैं, तो मेन में रेखा की आपको मैं जानकारी देता हूं। देखिए जैसे ये हाथ है तो हाथ में एक रेखा जो है, ये रेखा जो होता है ये रेखा, इसको हृदय रेखा बोलते हैं, और हृदय रेखा से आपके हृदय के बारे में, हृदय से संबंधित बीमारी के बारे में और हृदय से आपका विचार कैसा है, वो सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त तो हो जाती है। मैं मोटा मोटी छोटा थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। और ये रेखा जो है वो मस्तिष्क रेखा है, ये बताता है जो आपके पास कैसा दिमाग है, कैसा सृजनात्मक है, नकारात्मक दिमाग है, दिमाग कम है या ज़्यादा है, आप सोच भी पाते हैं या नहीं, किस तरह की सोच रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो और चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सिर्फ आज रेखा के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो रेखा जो है अपने आप में बहुत कुछ कहता है, अभी आप सिर्फ पहचानना है ये हृदय रेखा हुआ, ये मस्तिष्क रेखा हुआ। मस्तिष्क रेखा कहीं कभी आप देखिएगा तो टूटा फूटा भी हुआ रहता है, जंजीरदार भी होता है, या कभी उसके 2-3 मुंह भी बन जाते हैं, या वहाँ से रेखा चलकर विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में भी जाता है, जिसका प्रभाव अलग अलग इफेक्ट होता है। किस क्षेत्र पे जाता है, शनि पे जाता है, मंगल पे जाता है, राहु पे जाता है, केतु पे जाता है, उसका वो एक अलग विषय है, उस पर भी भविष्य में कभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप रेखा को पहचानिए, तो मैं आपको हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया हूँ, और ये जो रेखा है लंबा जो ऐसे करके अंगूठा को 2 भाग में तर्जनी से ऐसे करके बांध देता है, इसको बोलते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा माने आयु रेखा, आपकी आयु कितनी होगी वह रेखा, किस किस आयु में आप क्या क्या करेंगे वह सब इससे मालूम चल सकता है। लेकिन जब यह छोटी हो, टूटा फूटा हो, जंजीरदार हो, तो सोचने की विषय है, और समय रहते कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अवश्य आपको संकेत करना चाहिए, वरना जीवन ही नहीं रहेगी तो फिर आगे का बात कैसे होगा, और जिंदगी से बढ़कर तो दुनिया में कुछ नहीं है, और जिंदगी है तो खुशहाल और अच्छा होना चाहिए, ये नहीं बीमारी में पीड़ित हो, धन का नुकसान हो, तो वो भी एक समस्या है। तो ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा में एक बगल से एक सपोर्ट लाइन जब आ जाए तो वह और तगड़ा होता है, बोला माने वह और सपोर्ट करता है जीवन लाइन को, तो वह और भी अच्छा माना जाता है। इसको बहुत विद्वान मंगल रेखा भी बोलते हैं। तो ये बस जीवन रेखा के जस्ट पीछे होता है, ये जीवन रेखा है,
इसके जो पीछे हुआ ये, इसको जीवन का सपोर्ट लाइन भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा क्या होता है? आपके मणिबंध से लेकर शनि पर्वत तक जाता है, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। लेकिन भाग्य रेखा बहुत जगह से निकलते हैं, कभी कभी तो ये राहु के क्षेत्र से भी निकलता है, जीवन रेखा से भी निकलते हैं, मंगल रेखा से भी निकल जाती है, सूर्य रेखा से भी निकल जाती है, मस्तिष्क रेखा से ही निकलती है, मंगल के क्षेत्र से, तो भिन्न भिन्न का अलग अलग है। कभी कभी ये चंद्रमा के क्षेत्र से निकल जाता है, तो सबका अलग अलग प्रभाव होता है। जो आपको यह बताएगा जो चंद्रमा से निकला तो उसका क्या फल होगा, यदि मंगल से निकला तो क्या होगा, शुक्र से क्या हुआ, और जीवन रेखा के अंदर से निकला तो क्या होगा, या मणिबंध से जो आगे निकला उसका क्या क्या फल होता है। लेकिन भाग्य रेखा वही अच्छा माना जाएगा जो शनि पर्वत को चीरते हुए आगे बढ़े, लेकिन हथेली से ऊपर नहीं बढ़े, इस बात का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि हथेली से ऊपर बढ़ गया, उंगली को बिटवीन फिंगर्स के ऊपर टच कर रहा है या आगे बढ़ रही है, तो वह सोचने की बात है, तब अवश्य किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए, या उस पर क्रॉस का चिन्ह हो तो यह सब एक खतरनाक संकेत है, या दीप बन गया हो तो यह भाग्य रेखा के बारे में मैं आपको बता रहा था। और मैं इसी कार्यक्रम में आगे बताऊंगा कौन सा कहाँ पे कौन ग्रह का माउंट है, पर्वत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिंह राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। सिंह राशि वाले जातक, आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आपका दिन टेंशन से भरा हुआ रहेगा, आप चिड़चिड़ा स्वभाव के आज हो जाएंगे, और कोई अच्छा भी बात कहेगा तो आज आपको बिल्कुल बुरा लगेगा, डिसीजन आज आपका बिल्कुल खराब रहेगा, तो आज आपका दिन अच्छा नहीं है, काम धंधे रोजगार की स्थिति भी बेकार है, उसमें भी अच्छा नहीं चलेगा, बहुत मेहनत करेंगे तब आज आपको कुछ लाभ या सफलता मिल सकती है। यदि आप बैठ गए या आसक्त में आ गए, लेजीनेस में आ गए, आलस यदि आपको भर गया, तो आज आपका दिन कर्ज भी आपको चढ़ सकता है, और बिजनेस व्यापार जो भी काम धंधे करें उसमें आज आपको नुकसान होने का पूरा पूरा संकेत दिख रहा है। तो कह सकते हैं आज आपका दिन सिंह राशि वाले जातक के लिए अच्छा नहीं है, आज आप बिल्कुल शांति से अपना समय को बिताएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने दिन को आप समान और अच्छा करना चाहते हैं तो आज आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और केसर का तिलक लगाना चाहिए, इससे आपको कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अब मैं कन्या राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज आपका खर्च बढ़ेगा और पिताजी के सेहत पर भी आज आपका खर्च हो सकता है, या घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो उसके सेहत आज अचानक बिगड़ सकता है, जिससे आपका धन का नुकसान या संचय पूंजी का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी आज नहीं जा पाएंगे, कोई ना कोई आरंगा, कानून का बंधन या कुछ न कुछ बाधाएं आज आपको ऐसे उत्पन्न होंगे जिस कारण से आप नहीं जा पाएंगे। आज गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है, काम धंधे रोजगार बिजनेस व्यापार की स्थिति भी मंद है, उसमें भी आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपका दिन आपके लिए भी अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल सावधान रहें और अपने दिन को बेहतर और अच्छा करने के लिए आज आपको गणेश जी की 108 नाम का अर्चना करना चाहिए, और संभव हो तो 11 दुर्गा घाट उनके मूर्ति के सामने अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे आपका आज कल्याण हो सकता है। अब मैं तुला राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक, आज आपका धन जो है बढ़ सकता है, मेहनत कर से आज इनका इनकम का स्रोत आज बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में अच्छे पोस्ट में है तो आज अचानक आपको अच्छे रुपए धन लाभ हो सकता है, यदि आप तुला राशि वाले जातक हैं तो, या और यदि अपना बिजनेस व्यापार करते हैं तो मेहनत करने से आज आपका कस्टमर का संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, सफलता आज आपको मिल सकती है। जो जातक बेरोजगार होंगे तुला राशि वाले, उनको नौकरी भी मिल सकता है, प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में खोजने से इंटरव्यू यदि आज उनका होता है, क्योंकि रविवार का दिन है जनरली नहीं होता है, लेकिन फिर भी हो गया तो आज आपको सफलता मिलने का पूरा पूरा संभावना है। अपना जो भी काम करते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, उसमें आपको सफलता होगा, काम धंधे अच्छे चलेंगे, धन का आज बचत होगा, मन आपका आज खुश रहेगा, आज आपका दिन अच्छा है। अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको माता दुर्गा जी का पूजा करना चाहिए, और दूध से बने कोई मिठाई आज उनको जरूर भोग अर्पित लगाना चाहिए, इससे आपका दिन अच्छा हो सकता है। अब मैं
वृश्चिक राशि वाले जातक बता सकता हूँ, वृश्चिक राशि वाले जातक आज आपका दिन बहुत अच्छा है, आज आपका काम धंधा का स्थिति बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो बॉस आज आपके काम से बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे और वह प्रमोशन के लिए आपका नाम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आज साल का बहुत आखिरी दिन है, तो जो भी आपका डाटाबेस बनेगा उसमें आपका नाम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा काम धंधा चलेगा। और यदि आप ठेकेदारी के क्षेत्र में, तो आज आपके दिन का बोलबाला रहेगा, आज आपका ठेकेदारी का मैंने कोई नया ऑफर प्रोजेक्ट आज आपको हासिल हो सकता है, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ और धन कमाएंगे। आज आप यदि किसी भी प्रकार के फ्लैट वगैरह का खरीद करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा दिन है, आप टोकन मनी दे सकते हैं, और यदि आप एग्रीमेंट भी बनाना चाहें तो एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, उसके लिए भी आपके फेवर में अच्छा दिन है। लेकिन जो कि खरमास है, तो बहुत आदमी खरमास को त्याग करते हैं, यदि आपको ऐसा नियम है तो आप खरमास के बाद भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन टोकन मनी देने में हमारे हिसाब से कोई दोष नहीं है। आज आपका दिन अच्छा है, अपने दिन को और बेहतर अच्छा बनाने के लिए आज आप रोड़ी का लाल तिलक लगाना चाहिए और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन बेहतर हो सकता है। मैं आपको बता रहा था हाथ के रेखा के बारे में, तो मैं आपको हृदय रेखा, भाग रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, चार रेखा के बारे में बताया हूँ। अब आपको मैं माउंट बता रहा हूँ। माउंट में क्या है, मैं सबसे छोटी उंगली चलूंगा, जिसको कनिष्ठा भी बोलते हैं, कानी उंगली बोलते हैं। तो कनिष्ठा उंगली के जो क्षेत्र का नीचे जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं मरकरी, बुध, बुध का क्षेत्र। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हाथ देखने में ये देखना है जब माउंट धसा है, उठा है, कैसा है, उसका पीक पॉइंट कैसा है, तभी आप आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस क्या है बहुत चीज देखना पड़ता है, क्रॉस है, बिंदु है, चतुर्भुज है, कोई स्टार बना हुआ है, तो बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र को बोलते हैं बुध का क्षेत्र, ये कानी उंगली के क्षेत्र को। अब रिंग फिंगर, रिंग फिंगर माने सगाई का अंगूठी, इसको बोलते हैं सूर्य का क्षेत्र। आपका विद्या कैसा है, क्या है, सूर्य से सेहत वगैरह बहुत चीज़ का मालूम किया जाता है, यह सूर्य का क्षेत्र है। यदि ये लंबा सीधा हो, सुडौल हो तो अच्छा माना जाता है। ये है शनि पर्वत, ये शनि पर्वत है, माने शनि के बारे में हाथ से यहाँ से देख सकते हैं, ये कैसा है, क्यों है, क्या है, ये शनि पर्वत माने मिडिल फिंगर के नीचे वाला शनि पर्वत है। और ये जो है जुपिटर का, यहाँ पर बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, पति पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बृहस्पति कैसा है, ऊंचा है, नीचे है, आप हाथ देखने से मालूम कर सकते हैं। बंदा धार्मिक है, अधार्मिक है, पूजा पाठ में मन लगता है कि नहीं, बृहस्पति से आप मालूम कर सकते हैं भविष्य में कितना धन कमाएगा, सब बृहस्पति से मालूम चलता है। और दस बृहस्पति के नीचे जो ये जो एरिया है, यह मंगल का एरिया है। मंगल दो प्रकार का होता है, एक होता है माने आंतरिक मंगल, एक होता है बाह्य मंगल, और बाह्य मंगल का क्षेत्र ये है। मन क्षेत्र यदि नीचा का है तो बचाएगा जो बंदे लड़ाई झगड़ा में इंटरेस्ट नहीं करता है, यदि ये अच्छा है तो वो लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। तो मैं आपको शुक्र के बारे में, तो ये हथेली का गलेदार जो एरिया होता है उसको शुक्र का पर्वत बोलते हैं। तो शुक्र का पर्वत जो है वह अच्छा होना चाहिए, यदि शुक्र गड़बड़ है तो उसको भौतिक सुख का अभाव रहता है, पति पत्नी का सांसारिक सुख भी उसको अच्छा से नहीं मिल पाता है। शुक्र का जीवन पे बहुत महत्व है, भौतिक सुख सुविधाएं जितने भी होते हैं यह आपको इस शुक्र से ही आप मालूम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूँ और माउंट के बारे में बता रहा हूँ, इसका एक विस्तृत भी होता है जिसके बारे में आप धीरे धीरे जिनको इंटरेस्ट होगा आप सीख भी सकते हैं, तो आप अपना एक देख भी सकते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है वो चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का ये क्षेत्र चंद्रमा से उसके मानसिक स्थिति का, विदेश जाने की स्थिति का बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। और अब छाया ग्रह हुआ, तो ये जो एरिया है जहाँ से मणिबंध चालू होता है, ये केतु का क्षेत्र है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, केतु का स्थिति भी देखना चाहिए, केतु से भी आप मालूम कर सकते हैं आदमी के अंदर धैर्य कितना है, साहस कितना है, यह केतु से मालूम चलता है। और ये एरिया है राहु का, तो राहु आपको कितना परेशान कर रहा है, कितना आपका राहु अच्छा है, यह इस एरिया से राहु के बारे में जानकारी कर सकते हैं। राहु राजनीति का कारक ग्रह होता है। तो ये हथेली देखने के नियम है, कहाँ से क्या देखा जाता है। और ये रेखा जो है वो मणिबंध का है, मणिबंध तीन हो तो अच्छा माना जाता है,
ना एक दो तीन किसी का डेरी होता है, ढाई होते हैं, जैसा जैसा किसी किसी का हाथ में। और ये जो उंगली है, पोर है, ये पोर, इसमें शंख और चक्र भी होते हैं, उसके अलग अलग मोहते हैं। और इस हथेली पे कहीं पे त्रिभुज होता है, कहीं पे दीप बनता है, कहीं पे चतुर्भुज बनते हैं, कहीं पे क्रॉस बनते हैं, कहीं पे आपको झंडा होता है, कमल का चिन्ह होता है, जाली होते हैं, कटा हुआ रहता है, लंबा लाइन होता है। तो सबका अलग अलग मोहत है, वो उसमें वृद्धि करता है या हरास करता है, या एक विद्या है। इसके सीखने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ही आप सटीकता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही बहुत आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यह एक साधना है, साधना के बगैर नहीं हो सकता है। अच्छे गुरु जरूर चाहिए। पंचमुंगली साधना या काल ज्ञान का जिसको नॉलेज रहता है, वो एक्यूरेट बता देता है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है। और बहुत से साधक होते हैं जो पंचांगुली साधना इस फील्ड में रहते हैं, और वो सिद्ध करते भी हैं और कर चुके भी होते हैं। अब मैं आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको धनुराशि वाले जातक बताऊंगा। धनुराशि वाले जातक, आज आपका भाग उदय का दिन है, भाग अच्छा मिलेगा, भाग के दम पे आज आप सफलता प्राप्त करेंगे और काम धंधा रोजगार बिजनेस अच्छा चलेगा, मान समाज की प्राप्ति होगी। और यदि आप बेरोजगार हैं तो आज आपको नौकरी भी लग सकता है, कंपटीशन का एग्जाम दिए उसमें भी सफलता आपके फेवर में आ सकता है, यदि पहले से कोई एग्जाम वगैरह आप दिए होंगे तो। कह सकते हैं आज आपका दिन अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें प्रॉपर्टी का तो उसमें अच्छा है, कमीशन का बिजनेस है तो उसमें भी आज बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। अपने दिन को बेहतर और अच्छा करने के लिए आज आपको केसर का तिलक करना चाहिए और एक बार हनुमानाष्टक या गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब मैं मकर राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक, आज आप अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। यदि आप नए वर्ष मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे लंबी दूर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं आपको पर्सनली मना करूंगा। यदि आपका सेहत गड़बड़ हो तो बिल्कुल आप नहीं जाए डॉक्टर के निरीक्षण में, नहीं तो अचानक आपका सेहत गड़बड़ हो सकता है और चोट चपेट एक्सीडेंट होने का भी योग आपके कुंडली में दिख रहा है, ऐसा आपका गोचर बता रहा है। धन का नुकसान भी होते हुए दिखाई दे रहा है। काम धंधे रोजगार की स्थिति भी खराब है, काम धंधे बिजनेस व्यापार भी अच्छा नहीं चलेगा। यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बॉस से अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नौकरी पर भी खतरे बन सकते हैं। तो कह सकते हैं आज आपका दिन अच्छा नहीं है मकर राशि वाले, तो आप बिल्कुल संभाल के रहें। सारे साथी का दौर भी चल रहा है तो संभल के रहना चाहिए और अपने बॉस कलीग से आपको अच्छा से बिहेव बातचीत करना चाहिए। अपने दिन को बेहतर और अच्छा करने के लिए आज आपको हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको आपका दिन अच्छा बीत सकता है। मैं कुंभ राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक, आज का दिन जो है वह अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनर आपको छल धोखा दे सकता है। पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में भी समस्या उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव या और चीज का भी समस्या, माने आपके ईगो कारण मनमुटाव भी होगा और भी आगे लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। मामला यदि ज़्यादा पुराना गंभीर होगा तो कोर्ट कचहरी का भी मुकदमा में आज जा सकता है, तो आज आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक अपने समय को बिताना है। यदि प्रेमी प्रेमिका है तो आज आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, ऐसा आपका गोचर कह रहा है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में बिल्कुल सावधान रहें, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, वरना आज किसी कारण से साल के अंत होते हुए आज आप कहीं ऐसा ना हो जो आपकी नौकरी का भी अंत हो जाए, तो बिल्कुल आप सावधानीपूर्वक कुंभ राशि वाले आज अपना दिन बताएं। अपने दिन को बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको हनुमान जी को छोला चढ़ाना चाहिए, इससे आपका दिन बेहतर हो सकता है। अब मैं आपको मीन राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मीन राशि वाले जातक, आज आपका दिन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसलिए है, यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज होगा तो आप आसानी से अपना ईएमआई भर देंगे, लोन चुका देंगे। यदि और सेठ साहू का कर्ज होगा तो वो भी आज आप पूरा क्लियर कर देंगे, किसी का लेन देन भी होगा तो कर सकते हैं। यदि आपके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा है, मुकदमा है, केस फौजदारी है, उसमें भी जीत होगा, कंप्रोमाइज की जो स्थिति बनेगी तो आज आप बिल्कुल आपके फेवर में होगा और आज आपकी वहाँ जीत होगी। काम धंधे बिजनेस व्यापार की बात करें तो वह भी फर्स्ट क्लास चलेगा, बहुत अच्छा आमदनी आपका होगा। और यह भी बता रहा है जो आप नए साल मनाने के लिए मौज मस्ती पर कहीं जाएंगे, दिन आपका अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो किसी
गैर के साथ मनाने के लिए नहीं जाए, वरना शनि की सारे साथ ही चल रहा है, आप पकड़े भी जा सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है। तो आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपने समय को बिताएं और ईमानदारी से किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोचें, वरना आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि शनि देव की नज़र आप पे है। मैं आगाह और सावधान आपको किया हूँ, अच्छाई करते करते कहीं बुराई का भी सामना ना हो जाए, इसलिए आप सावधान रहें। अपने दिन को बेहतर अच्छा करना चाहते हैं तो आज आपको राम रक्षा स्त्रोत का अवश्य पाठ करना चाहिए। यदि कोई गलती भी हो जाए तो उससे आप बच सकते हैं और भगवान के पास स्नेह आपको मिले। मैं बायोस्कोप के चैनल दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो नए वर्ष आ रहे हैं उसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामना देता हूँ, और अच्छे से कानून का पालन करते हुए कहीं भी पूरे परिवार के साथ अपना नव वर्ष मनाए, और आने वाला वर्ष बहुत मंगलमय हो, उसका मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। जय मां मृदुदासिनी, धन्यवाद।